नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा ODI मैच खेला जाने वाला है। ये मुकाबला दोस्तों जो है कैनबरा में होने वाला है। ऐसे में इस मैच में टॉस किसने जीता, क्या है प्लेइंग 11 और दोस्तों इस मैच को आप लाइव कहाँ पर देख सकते हैं, सारी बातचीत इस वीडियो में कर लेते हैं। एक बार जान लेते हैं कि आप इस मैच को लाइव कहाँ पर देख सकते हैं और अभी तक की अपडेट क्या है। तो भाइयों सबसे पहले बात करें यहाँ पर टॉस की, तो टॉस जो है भारतीय टीम ने इस बार जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसका मतलब कि दोस्तों सीरीज़ में पहली बार जो है भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पहले गेंदबाजी करते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों बात करें प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर भारतीय टीम में कई बदलाव किए हैं, जहाँ पर दोस्तों इस मैच में टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पहले बात करें इंडिया टीम की प्लेइंग 11 की, तो इसमें खेलते हुए नज़र आने वाले हैं यहाँ पर शिखर धवन, मयंक अग्रवाल भी नहीं होंगे, होंगे शुभमन गिल। इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और लास्ट में यहाँ पर टी नटराजन। इसके बाद दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं एरन फिंच, मार्नस लबुसेन, इसके बाद दोस्तों स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मॉइज़ेस एनरिकेस, एलेक्स थेरी, कैमरन ग्रीन, एस्टन एगर, सीन एबॉट, एडम जैम्पा और लास्ट में यहाँ पर जॉश हेजलवुड। तो ये तो हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब दोस्तों बात करें कि इस मैच को आप आखिर लाइव कहाँ पर देख सकते हैं, तो भाइयों Sony 10 के नेटवर्क पर लाइव दिखाया जा रहा है, वहाँ पर जाकर इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं। सीरीज़ का आखिरी मैच है, रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है, आप भी जाइए और जाकर मैच को एंजॉय कीजिए।